हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम टेक्नोबस.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने किसी भी Xiaomi फ़ोन में ग्लोबल स्टेबल वर्जन से ग्लोबल बीटा वर्जन पे जा सकते हैं। ना आपको फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक करना है, ना रूट करना है, ना कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना है। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे वो जो ग्लोबल स्टेबल वर्जन होता है, जो आपके MIUI वर्जन, उससे वो बीटा वर्जन पे जा सकते हैं। वो सोचते थे कि नहीं, हमारे फ़ोन आपको वारंटी वाइड हो जाएगी या अनलॉक करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको आपके सामने आज करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहता हूँ काफ़ी सारे Xiaomi फोन्स के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर करें। तो अब बात करते हैं अपडेट कैसे करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको अपडेट करने के लिए आपको दो चीज़ें चेक करनी है। आपको क्या करना है, जो MIUI की जो साइट है, फॉरम, उसके जो डाउनलोड पेज है उसके ऊपर जाना है। और उसके ऊपर जाके आपको क्या करना है, आपका जो फ़ोन का मॉडल है उसको एक बार चेक करना है। सपोज़ कीजिए हम पोको F1 यूज़ कर रहे थे, तो हम पोको F1 को टैप करेंगे। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। आपको ये देखना है जो ऊपर वाला वर्जन है वो स्टेबल वर्जन है, ग्लोबल स्टेबल, और नीचे वाला जो डेवलपर रूम वो बीटा वर्जन है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका जो स्टेबल वर्जन है आप उसी के ऊपर जो वहां पे मेंशन किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं पोको F1 के लिए जो मेंशन किया गया है वर्जन 10.2.3.0, तो आपको इसके ऊपर होना चाहिए। अब आप इसके ऊपर से डायरेक्टली जो है जो बीटा वर्जन यहां मेंशन किया है उसके ऊपर जा सकते हैं, जो कि है हमारे लिए 9.3.7, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। अगर यहां पे कोई और वर्जन है और अभी आपके यहां से यहां पे फोन में कोई और वर्जन है तो आप डायरेक्टली जंप नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से आप बीटा से स्टेबल के ऊपर इसी वर्जन पर आ पाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप इस वर्जन पर होने चाहिए तो इस पर जा पाएंगे, या अगर आप बीटा के इस वर्जन पर हैं तो वापस डाउनग्रेड आप इस पर कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान करनी है। तो हमारे लिए है 9.3.7। तो अब मैं पोको F1 फोन में आपको दिखा देता हूँ हम कौन से वर्जन के ऊपर है। तो ये देख पा रहे होंगे पोको F1 के हमें जो लेटेस्ट वर्जन था अपना MIUI 10 का स्टेबल 10.2.3.0 पे। अब हमको जाना है 9.3.7 के ऊपर बिना बूटलोडर अनलॉक किए हुए। तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने फाइल जो है सेव कर ली है। फाइल मैनेजर में आपको जाके एक बार ये देखिए MIUI का पोको F1 9.3.7 का जो है ये बीटा वर्जन है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपके फ़ोन की रिकवरी से हो जाएगा। आप अबाउट फ़ोन पर जाइए, सिस्टम अपडेट, ये जो तीन डॉट्स हैं इस पर टैप करेंगे, यहाँ जो चूज़ अपडेट पैकेज है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग क्या करते हैं चूज़ अपडेट पैकेज करने के बाद फाइल को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ी देर में कैंसिल कर देंगे, फिर से उसको ट्राई करेंगे, उसके बाद एरर आ जाता है। वो फाइल सिर्फ एक ही बार काम करती है। जैसे आपने चूज़ अपडेट पैकेज कर लिया और फाइल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो फाइल काम नहीं करेगी। तो फाइल का बैकअप जरूर रखें कि अगर आपको कैंसिल करना है तो बाद में आप दूसरी फाइल को फिर से कॉपी करके यूज़ कर सकें। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया और कैंसिल कर दिया वो फाइल जो है करप्ट हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर कुड नॉट वेरीफाई अपडेट या कुड नॉट गो टू द अनऑफिशियल वर्जन, ऐसा मैसेज आपको देखने को मिले। अब बैकअप जरूर लेने, आपका डाटा भी डिलीट हो सकता है। तो चूज अपडेट पैकेज किया हमने, उस रोम की फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे। अब जो है ये MIUI सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, रिट्रीव इन्फो करेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि आपका फ़ोन को कैसे रिबूट करना है। आपका फ़ोन रिबूट होगा और उसके बाद आपको इस अपडेट को इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए मैंने आपको कहा था डाटा डिलीट हो जाएगा बीटा पर जाने पर। देखिए तो क्या मेंशन किया है, यू आर गोइंग टू रिवर्ट टू MIUI वर्जन XM पोको F1 ग्लोबल 9.3.7, योर पर्सनल डाटा विल बी इरेज्ड, मेक श्योर टू बैकअप एनीथिंग यू वांट टू कीप बिफोर यू स्टार्ट द प्रोसेस। नीचे दो ऑप्शन है, कैंसिल, इरेज एंड अपडेट। इरेज एंड अपडेट पर करेंगे एक वार्निंग फिर से आएगी, योर पर्सनल डाटा विल बी इरेज्ड, मेक श्योर टू बैकअप एनीथिंग यू वांट टू कीप बिफोर प्रोसीडिंग। तो ये मैंने आपको शुरू में कहा था बैकअप जरूर लेगा। अब आप इरेज एंड अपडेट करेंगे, आपका फोन जो है रिबूट होगा और उसके बाद रिबूट होने के बाद आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा और आप फाइनली अपने ग्लोबल स्टेबल वर्जन से MIUI 10 का जो बीटा वर्जन है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने MIUI ग्लोबल से MIUI बीटा पर जा सकते हैं, जो कि ग्लोबल बीटा ओपन बीटा है, जो आपको MIUI के फॉरम पे मेंशन किया है, जो कि मैंने आपको अपने फोन में दिखाया था यहाँ जाके कि इसके अंदर जो मेंशन किया है उसी के ऊपर जा सकते हैं। आप कहीं और से लिंक मत डाउनलोड कीजिए, जो यहाँ दिखा रखा है उसी को आप सेव करेंगे, उसी फोन डाटा को, उसी लिंक को आप कोशिश करें डाउनलोड करने का, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कौन से ऑफिशियल वर्जन है, कौन से आपके फोन के लिए अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बस आप रीसेंट अपडेट करेंगे, उसके बाद आपका फोन जो अपडेट स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से आप करेंगे बस, उसके बाद आपका फोन जो रिबूट होगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।